बस कमिंग बैक टू इंडिया है, दैट्स ऑल दैट इज देयर. मतलब मैं चाहती हूँ कि लोग इसको ज़्यादा टू मच रीड ना करें. ये एक सिंपल सा मेरा डिसीजन था टू कम बैक टू इंडिया, क्योंकि पिछले दो साल में मैं इंडिया वापस इसलिए नहीं आ पा रही थी क्योंकि जब मैं अमेरिका गई थी तो मैंने वहाँ पे अपना रेजिडेंशियल अप्लाई किया था, ग्रीन कार्ड अप्लाई किया था. तो उसके तहत मुझे जो ट्रैवल परमिट मिलती थी उसको रिन्यू करवाना पड़ता था. जब भी मैं सोचती थी आऊँगी वापस तो मेरा ट्रैवल परमिट एक्सपायर हो गया था. उसी वजह से मैं अपनी बहन की शादी में भी नहीं आ पाई थी क्योंकि मेरा जो ट्रैवल परमिट वो ऑफ हो गया था और वक्त में मैंने उसको रिन्यू नहीं करवाया. तो अभी फाइनली मेरा 1.5 साल की वेट के बाद मेरा ग्रीन कार्ड फरवरी में आया. तो मैं कुछ और प्लान कर रही थी वहाँ पे. मेरी ज़िंदगी वहाँ पे आगे बढ़ रही थी और मैं वहाँ पे सेटल्ड हूँ, मेरा काम काज अच्छा चल रहा है एंड ग्रीन कार्ड आ गया है, एवरीथिंग वाज फाइन. तो वापस आने के कोई प्लान नहीं थे, लेकिन इस तरह से सिचुएशन हुई कि मम्मी ने बोला अब थोड़े दिन के लिए आ जाओ, हमसे मिले नहीं हैं इस साल. पिछले बार मम्मी लोग आए थे वहाँ पे, इशिता भी आती रहती है, उनसे मिलना हो जाता है. तो कोई रीज़न नहीं था आने का, लेकिन हो गया बस आना. तो दैट ऑल दैट देयर इज देयर. मैं चाहती हूँ कि लोग उसको ज़्यादा टू मच उसमें नहीं घुसे, क्योंकि आगे क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता. मैं आई हूँ, लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है एंड प्रोजेक्ट वगैरह की भी बातचीत चल रही है. लेकिन अभी ये हाल है कि मेरा जो ग्रीन कार्ड है उसकी वजह से मैं अमेरिका से 6 महीने से ज़्यादा बाहर नहीं रह सकती, तो मुझे वो भी देखना पड़ेगा. तो वो सब मुझे संभालना पड़ेगा कि जगह मुझे पसंद आता है और यू नो अगर टाइमिंग मैच करता है, क्योंकि मैं अभी तो फिलहाल 3 महीने के लिए हूँ. तो कभी इतना लंबा समय दिया था आपने बॉलीवुड को, फिल्मों को, इतना मिस किया आपने? मैंने पहले 5 या 6 साल से ज़्यादा मिस नहीं किया, क्योंकि पहले 5 या 6 साल में बहुत ही अलग माहौल में थी, आध्यात्म में मैं जुड़ गई थी. तो उस माहौल में फिल्मों की बातें ही नहीं होती हैं, वहाँ पे महत्वाकांक्षा अलग होती है. अगर आप यहाँ पे हैं, बॉम्बे में हैं, तो यहाँ सब फिल्मों और क्रिकेट की बात करते हैं और पार्टियाँ में तो सबका ये होता है कि अगली पिक्चर रिलीज होगी, आगे करियर कहाँ जा रहा है ये वो. उस माहौल में मोक्ष और मुक्ति की बातें होती हैं, तो वहाँ पर जब लोग जाते हैं वहाँ की महत्वाकांक्षा ही बदल जाती है. लोग उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मैं भी वहाँ जा कर उसी डायरेक्शन में जा रही थी. तो मैंने तो मिस किया ही नहीं, मेरा गोल बन गया था कि मुझे मुक्ति चाहिए और मोक्ष चाहिए, यू नो. तो मैंने मिस नहीं किया. फिर मैंने कई अलग अलग धर्मों की स्टडीज की, वो रास्ते खुलते गए, मौके मिलते गए. तो मैंने हिंदू धर्म के बाद, योग साधना के बाद बुद्ध धर्म और ईसाई धर्म की मैंने स्टडीज की. अमेरिका जाने के बाद भी वो मेरा कंटिन्यू हुआ. अमेरिका में जाके मैंने मॉडलिंग भी की और इवेंट्स भी किए. इंडियन कम्युनिटी में मुझे हायर किया जाता है ब्रांड्स, जो देसी ब्रांड्स हैं उसको प्रमोट करने के लिए, क्योंकि मैं वहाँ पे सेटल हूँ. तो जब वो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या तो कोई नई कंपनी लॉन्च करते हैं तो मुझे हायर करते हैं एज अ कंसल्टेंट एंड एडवाइजर, ऑल्सो ब्रांड प्रमोटर. तो मेरा मीडिया ग्लैमर के साथ थोड़ा मैं जुड़ी रही, लेकिन आध्यात्म में ही मेरी जारी है. देखा है कि आपने बॉलीवुड छोड़ के आध्यात्म पर जाने की वजह क्या वजह है? वजह मेरा आध्यात्म में हमेशा से इंटरेस्ट रहा है, बचपन से, बहुत कम उम्र से. इसके बारे में लोगों को पता नहीं है क्योंकि किसी ने पूछा नहीं, तुमने बताया नहीं. और यू नो, और फ्री टाइम में मैं बुक्स वगैरह पढ़ती थी. जितने भी आपके अभी न्यू एज राइटर्स हैं जो बुक्स आजकल सब पढ़ रहे हैं, वो मैंने 13-14 साल की उम्र में मैंने पढ़ लिए थे. फिर एक टाइम आया जब मैं मॉडलिंग और बॉलीवुड में सेटल हो चुकी थी, मैं काम कर रही थी. तब जब मुझे फ्री टाइम मिलता था तब उस वक्त मैंने जो अपने जो धर्म है, ये जो प्रॉपरली जो बड़े धर्म है, उसकी मैंने स्टडीज़ मैंने साइड में शुरू कर दी थी. ये मेरी हॉबी थी और मुझे इसमें बहुत रुचि होती थी और बहुत इंटरेस्ट होता था. मुझे तो मुझे सपने भी आते थे अलग अलग तरह के, एक्सपीरियंसेस भी होते थे. तो मैं वो मेरा चल रहा था. फिर एक टाइम आया कि लाइफ में मेरे थोड़े उतार चढ़ाव आए, जैसा कि आप सबको पता है कि करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में मैंने कभी डिस्कस की नहीं है, लेकिन एक यंग पर्सन की लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी उतार चढ़ाव आते हैं. दिल भी टूटता है, दुख भी होता है और बहुत कुछ, यू नो. तो जब आप यंग होते हो तो चीज़ों को आप
थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रांगली लेते हो। मैं बहुत हमेशा से सेंसिटिव रही हूँ, मैंने लाइफ को बहुत गहराई से देखा है। मैं चुपचाप रहती हूँ लेकिन मुझे महसूस सब कुछ होता है। तो और मैं जब पहले मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, जो मुझे अगर मुझे ख़राब फील हो रहा है, बुरा फील हो रहा है, तो मैं उसको खुद ही गटक जाती थी, यहाँ की जाहिर कर दो। तो उसकी वजह से भी मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता था। तो ये आध्यात्म का रूप ऐसे हुआ कि मैंने एक बार फाइनली हाथ ऊपर के बोले कि प्रभु, अगर आप रियली रियल हो, कि दुनिया तो आपको अलग अलग नाम से पुकारती है, जानती है, लेकिन क्या आप सच में हो? अगर आप सच में हो तो प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाइए, क्योंकि मुझे इस तरह नहीं जीना मुझे कि अपनी बॉलीवुड तो ऐसी जगह है कि आप कितना भी अचीव कर लो कम है। और हम ऐसे देखते रहते हैं जहाँ पे प्रोत्साहन नहीं मिलता यंग लोगों को। हर कोई आपको ये जताना चाहता है कि आपने क्या नहीं किया लाइफ में, या आप क्या करने से रह गए, या फिर क्या आपको करना चाहिए। ज्ञान सब दे रहे हैं, ओपिनियन सबके होते हैं, तो ज़्यादा ही ओपिनियन होते हैं। अरे भाई ठहरो ठहरो, बस ज़रूरी नहीं है कि भाग भाग के कहीं पर पहुँचना है, क्योंकि जो पहुँच भी चुके हैं वो भी डिप्रेशन में है, तो क्या पाया? ये भी देखो ना कि सब टॉप पे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो ये तो क्यों हो गया होता है ना कि टॉप पे जाने के बाद भी लोगों को खुशी मिले वो ज़रूरी नहीं है। तो अगर कोई अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी रहा है तो जीने दो, तो उसको उसको पता है ना, उसको चलना, उसको अगर कम में खुश है तो खुश है। किसी को पूरी दुनिया मिल गई फिर भी खुश नहीं है तो क्या कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे बॉदर करती थी यहाँ पर। तो ये भी एक रीज़न होता है कि आप उन चीज़ों से दूर जाके आप ध्यान और आध्यात्म में आप चले जाते, तो वहाँ पे कोई बॉदर नहीं करता इन सब चीज़ों को। कोई पूछता नहीं था मुझे आप अपने फिल्म कब रिलीज़ हो रही है, आपने वज़न क्यों बढ़ा लिया है, आपने वज़न क्यों घटा लिया, आपके बाल ऐसे क्यों हो गए। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी भी धर्म रिलेटेड आध्यात्म के माहौल में आप जब जाते हो, अच्छे वाले गुरु जी हैं, अच्छे वाले जो जगह हैं, वैसी जगह पे नहीं गई, वहाँ बचा लिया मुझे, वहाँ पे नहीं भेजा। लेकिन मैं जो भी मैं आश्रमों में गई हूँ, जो भी हर धर्म जो मैंने सीखा है, चाहे बुद्ध धर्म हो, हिंदू धर्म में शिव की साधना मैंने की है अपने कोयम्बटूर वाला आश्रम में, फिर ईसाई धर्म के मैं काफ़ी मैं इन्वॉल्व हूँ, तो मैंने अच्छी जगह पर मैं गई हूँ, अच्छे लोगों से मैंने सीखा है। तो वहाँ पे ना मुझे सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिली है, किसी भी हाल में वो कैसे भी कपड़े पहन के, कोई नहीं देखता आपके डिज़ाइनर कपड़े। यहाँ पे बॉलीवुड में किसी इवेंट पे जाती थी, इतना तो खुश होकर तैयार होकर जाती थी, फिर पेपर में नेक्स्ट डे सुबह सुबह इतना खुश होकर उसी पेपर में पड़ा सर्कल करके, ये देखो कैसे कपड़े पहने हुए हैं इसने, ये देखो इसने वजन हटा लिया है, कमा लिया है। कुछ भी करो यार, लाइफ में सेटिस्फैक्शन किसी को होती नहीं है। नो मैटर वॉट यू डू, यू वर्किंग सो हार्ड, एवरीबडी इज वर्किंग सो हार्ड। कोई ऐसा इंसान है आज की डेट में हमारे देश में जो मेहनत नहीं करता? और मेहनत करने के बाद अगर आपको रोजगार ही मिले तो कैसा फीलिंग होता है? ध्यान दो यार, नहीं चाहिए, यू नो। इससे मेरी यू नो आई फेल्ट लाइक दैट कि कोई तुम मुझे मेहरबानी नहीं कर रहे हो मेरे ऊपर, मुझे फेमस रख के, और मैं अगर फेमस नहीं भी रहूँगी ना तो भी बहुत खुश होगी। तो मेरी ऐसी फीलिंग हुई। तो अच्छे लोग भी थे, ठीक है, लेकिन जब आप यंग होते तो आपको बुरी चीज़ें ज़्यादा याद रहती है। तो फिर उस वक्त मैं चली गई मन की आगरा। जैसे कि 2 साल बाद आप खड़े किए, जो आपके अपने हैं उनको क्या रीज़न है? मम्मी तो बहुत खुश है, मम्मी पापा बहुत खुश है, क्योंकि इस साल उनका अमेरिका जाने का कोई प्लान नहीं था, तो मैं यहाँ पर आ गई। तो आई एम वेरी हैप्पी, मम्मी रोज़ नए नए पकवान बना के मुझे खिला रही है। और बॉलीवुड में? बॉलीवुड में मैं सबके साथ टच में नहीं थी, ऑब्वियसली जब मैं काम कर रही थी तो मैंने थोड़ी बहुत जो फिल्में की तो थोड़े बहुत लोगों के साथ टच में थी, जो लोग मुझे पसंद थे उन्हीं के साथ मैंने टच में रखा, सबके साथ मैं टच में नहीं हूँ। तो एकाध लोग, और वैसे एक और चीज़ हो गई थी, जब मैं पहली बार आश्रम गई थी तो मेरा ब्लैकबेरी था, उससे सारे मेरे कॉन्टैक्ट थे, ब्लैकबेरी हो गया। तो उसके बाद मैंने भी उस कॉन्टैक्ट को वापस लाने की कोशिश नहीं की, मैंने बोला ये प्रभु की इच्छा होगी कि मैं दूर ही रहूँ इन सब चीज़ों से। तो अभी आके मैं नए लोगों से मिल रही हूँ, एक्चुअली मैंने कई बहुत नए लोगों से मैं मिली हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। जैसा कि आपने कहा कि आपको सेवन और रहना है इंडिया में, तो आजकल बेसिकली 5 कहा जाता है, तो बेसिकली वेब सीरीज का दौर चल रहा है, तो आप फिल्मों का वेब सीरीज समय चाहिए? किसी ने पूछा था मुझे रिसेंटली वेब सीरीज के बारे में, लेकिन ये सारा डिपेंड करता है कि मुझे प्रोजेक्ट पसंद आता है कि नहीं। और एक चीज़ मैं खास बोलना चाहती हूँ, मेरे ना मन
से चीज़ें निकलती हैं। एक मैं उदाहरण देती हूँ, कुछ साल पहले किसी रियलिटी शो में मुझे उन्होंने फाइनल किया, बड़े टीवी चैनल का, और बहुत अच्छी खासी मोटी रकम दे रहे थे मुझे। अब बोले आपको बस 4-5 घंटे के लिए आना है, जज करना है, बच्चों का कॉम्पिटिशन है और बस कुछ नहीं, हम आपका 4-5 घंटे में काम खत्म कर देंगे और 15-20 डेज का आपका काम है, और बहुत अच्छी रकम उन्होंने दी। मैं सब कुछ ठीक है, आई डू दैट। फिर मैं मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी, तो वो मैं हाँ बोल के आगे आई घर और योग करने बैठी, ध्यान करने बैठी। मेरा उस वक्त आश्रम में आना जाना था, तो मेरा 4-5 घंटे का योगा का प्रोग्राम होता था। तो 4-5 घंटे ध्यान व्यान करके जब मैं ध्यान से बाहर निकली, तो फर्स्ट थिंग मेरे मन में आया चेक रिटर्न कर दो। मैंने बोला प्रभु नहीं, बहुत बहुत बारी प्रकार में मुझे नहीं रिटर्न करना चाहती। वो चेक देके उन्होंने भेजा था मुझे, बोले नहीं चेक रिटर्न कर दो। अब क्यों मेरे मन में वो बात आई थी, आई न्यू गॉड स्पोक टू मी, आई डोंट नो, बट मैंने वापस जाके चेक रिटर्न कर दी। और बहुत बार लाइफ में ऐसा हुआ है कि कुछ आया है प्रोजेक्ट और बहुत लुक्रेटिव प्रोजेक्ट है, बहुत पैसे मिलने वाले हैं, यू नो, और मन से एक बात आई है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि वो गलत है मेरे लिए या गलत है किसी और के लिए, मेरे लिए उस वक्त शायद कुछ और है। मैंने क्या किया, उस रियलिटी शो को छोड़ के मैं लद्दाख गई साइकिलिंग करने। मनाली टू लद्दाख मैंने कितने किलोमीटर, मैंने 550 किलोमीटर मैंने साइकिलिंग की मनाली टू लद्दाख, ग्रुप में गई थी और पैसे देके गई थी। यहाँ मैंने चेक रिटर्न किया और वहाँ खुद के पैसे देके मैं साइकिलिंग मैंने की। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ, मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैंने लगा मुझे मैंने जन्नत छू लिया वहाँ पे वो साइकिलिंग करके। तो कभी कभी मुझसे ये सारा करवा देते हैं भगवान जी, यू नो। तो ये भी एक फैक्टर है कि प्रोजेक्ट अगर आएगा भी, पसंद भी आएगा, लेकिन मेरे दिल से बात निकलेगी ये नहीं और अभी नहीं, तो फिर मुझे उसको मना करना पड़ेगा और शायद किसी और के पास चला जाएगा और अच्छा प्रोजेक्ट होगा। तो वो एक फैक्टर है, मुझे वो फैक्टर इन करना पड़ता है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, आई डिडंट नो। एक बात सबसे पहले मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं कि मैं क्यों आई हूँ, बिकॉज मेरा आने का कोई प्लान ही नहीं था। मैं तो वहाँ पे सबर्ब्स में शिफ्ट हो गई थी, 2 साल सिटी में रहने के बाद मैं फाइनली सेटल हो चुकी थी, मेरा ग्रीन कार्ड आ चुका था, मेरा वहाँ पे काम वाम सब अच्छा चल रहा था। और मैंने सोचा सबर्ब में एक कोने वाला एक बहुत सुंदर सा अपार्टमेंट लेके मैं वहाँ पे सेटल हो जाती हूँ, फिर बस आगे चलता रहेगा, मम्मी पापा आते रहेंगे। कैसे सिचुएशन ऐसी हुई कि मैं फिर यहाँ पे आ गई, तो मेरा कोई मोटिव नहीं था आने का। तो आई रियली डोंट नो, आई एम गोइंग विद द फ्लो। कोई पर्पस तो होगा ज़रूर, उसको ही पता है कि क्या पर्पस है, एंड आई रियली डोंट नो, बट आई एम एंजॉइंग जो भी है। उनके आश्रम में तो मैं कभी गई नहीं हूँ, लेकिन मैंने उनके काफ़ी बुक्स पढ़े हैं और उनका जो अध्यात्म, उनके नज़रिए से जो भी उन्होंने कहा है, मैंने उनकी भी बुक्स पढ़ी है, मैंने सभी के बुक्स पढ़े हैं। ऐसा कोई धर्म नहीं है जो मैंने पढ़ा नहीं है, ऐसे कोई गुरुजी नहीं है जिनकी मैंने बुक्स पढ़ी नहीं है, एकाध टोले से लेकर सब मैंने पढ़ा है। एक वक्त था जो मुझ में इतनी भूख थी कि मैं 8-8 घंटे मैं एक टीवी चैनल आता है ना गॉड टीवी करके, उसमें पैस्टर्स वो सरमन देते हैं बाइबल के बारे में, मैं 8-8 घंटे योग ध्यान अध्यात्म से रिलेटेड मैं चीज़ों का, मैं ऐसे मुझे लगता है कि मैं जन जन से भूखी हूँ और मुझे खाना चाहिए, और मैं 8-8 घंटे अध्यात्म रिलेटेड चीज़ों में मैं इन्वॉल्व होती थी। तो मैं जब मिलती हूँ लोगों से, मैं इम्पोज़ नहीं करती हूँ अपना कुछ उनके ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा है उनको इन सब चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं एज अ ह्यूमन बीइंग मैं इंटरेक्ट करती हूँ, मैं डेमोन्स्ट्रेट करती हूँ जो मैंने सीखा है और जो मैंने पाया है, उसको मैं एक प्रवचन के हिसाब से मैं ठोकना नहीं चाहती किसी के ऊपर, और उसका शायद असर भी नहीं होगा। लेकिन जिसको चाहिए, जिसको सुनना है, मैं उसको बोल सकती हूँ, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो, मैं मुझे जितना पता है मैं बोल दूँगी।
लेकिन मैं अपने जीवन से, अपने लाइफ से ये डेमोन्स्ट्रेट मैं करूँगी जो ज़रूरी है आज की डेट में। और ये भी मैं बोलना चाहती हूँ कि आज की डेट में हमारे कंट्री में बहुत यंग लोग हैं जो सुसाइड कर रहे हैं, जो हार मान के ज़िंदगी से ही वो ऑफ हो रहे हैं। और मैं भी उस एज में थी एक टाइम पे जब मैं भी बहुत दुखी थी, मेरे लाइफ में भी मुझे लग रहा था कि कुछ नहीं हो रहा है या फिर कंट्रोवर्सी कुछ हो गई या कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो आपको लगने लगता है कि अरे यार सब ख़त्म हो गया। ये छलावा है, क्योंकि आपकी लाइफ में चाहे कितना कुछ अच्छा चल रहा है, एक चीज़ अगर ख़राब हो जाती है पर्सनल लाइफ में, किसी ने बंदे ने धोखा दे दिया या किसी दोस्त के साथ कुछ अनबन हो गई या फिर कुछ करियर में कुछ एक चीज़ कुछ हो गया, आपको लगने लगता है ये पूरा आपकी ज़िंदगी कंज्यूम हो गई। दैट इज़ नॉट ट्रू। अगर आप उसको दूर से देखें तो ये एक छोटा सा हिस्सा है, वो पार हो जाएगा। लेकिन जो यंग होते हैं वो उस तरह से नहीं सोच पाते। ये विजडम एज के साथ आती है, समय के साथ आती है। अगर आप ज़िंदा रह गए तो आप एक दिन उसको पीछे मुड़ के देखोगे ज़रूर कि अरे यार वो तो मुझे बर्बाद कर देती वो सिचुएशन, या मैं तो मर ही गई थी या मर ही गया था, लेकिन मैंने वो डिसीजन नहीं लिया अपने आप को हानि पहुंचाने का, तो आज मैं मुड़ के देख रहा हूँ तो अरे यार वो तो पार हो गया। तो ये चीज़ मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ क्योंकि सबको पता है इस कंट्री में कि मेरे ऊपर से कितना कुछ निकला है। लेकिन अगर आज मैं खड़ी हूँ और ज़िंदा हूँ और खुश हूँ, तो आप ये सोचिए कि आप भी उस जगह पे जा सकते हैं। अगर आपने आज हार नहीं मानी और पकड़ के रखा ज़िंदगी को किसी तरह से भी, तो आप भी उस जगह पे जाके एक दिन आप मुड़ के देखोगे कि अरे यार बहुत तकलीफ हुई थी लेकिन अच्छा हुआ मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि वो चीज़ें निकल गई और अब माहौल बदल गया। हर चीज़ बदल जाती है, कोई चीज़ जो जैसी है चाहे कितना भी ख़राब हो और कितना भी अच्छा हो वैसा नहीं रहेगा। एक टाइम पे आप सोचिए आज से 20, 25, 30 साल पहले कौन सुपरस्टार्स थे, आज है वो सुपरस्टार्स? कोई उनके बारे में जानता भी है? नोबडी नोज अबाउट देम। जो स्टार्स थे, तो जो आज है सुपरस्टार्स, आज से 30, 25, 30, 40, 100 साल बाद नोबडी गिव्स अ फक। सो एवरीथिंग इज टेम्पररी, वेदर इज ग्रेट और वेदर इज शिट, इज ऑल गोना बी टेम्पररी। वो चीज़ मैंने खुद सीखी है। And I would probably like to tell everybody, because हमारे देश में बहुत depression है, बहुत लोग depressed हैं, बहुत लोग हार मान रहे हैं। And मैंने बहुत सारे incidents भी पढ़े हैं, अपनी industry से पढ़े हैं। मुझे हमेशा लगता है कि अरे यार मुझे जो राह मिली, मेरे जो दरवाजे खुल गए अध्यात्म के, जिन्होंने मुझे हेल्प किया, जो चीज़ें मुझे बहुत हेल्प की, मैंने मुझे नेगेटिव से पॉजिटिविटी में लाने के लिए, मैं चाहती हूँ कि सबको वो हेल्प मिले। एंड मैं ऐसे ऐसे जैसे कि आपके फैन एक लाख हेल्प। मैं एक बात बताऊँ, मैं बचपन से मेरे पापा एक चीज़ मेरे को बोलते थे कि तुमको पता है कि हमारे देश में इतने ज़्यादा धर्म गुरु और संत महात्मा क्यों पैदा होते हैं? क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा अंधकार है, इतनी बड़ी जनसंख्या वाली कंट्री है और सब एक दूसरे को चोट मार रहे हैं और उनको खुद भी रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि वो कितना दुख पहुँचा रहे हैं दूसरे को। माइंडलेसली बिना सोचे समझे आपने मुँह से अपनी बात निकाल दी, वो तीर जैसी होती है, एक बार निकल गई मुँह से तो वापस नहीं आती है। लेकिन उसका जो रिपरकशन होता है, उसका जो असर होता है, वो उस इंसान की ज़िंदगी में शायद 10, 12, 20 साल, 50 साल तक रह जाए। तो अगर आप किसी को आज पकड़ के पूछो कि भाई तू ऐसे क्यों है, और अगर थोड़ा उससे उसको याद आएगा, उस 20 साल पहले उसने किसी ने मुझे ये बात बोली कि मुझे बहुत दुख हुआ था, किसी ने कुछ किया था, ये चीज़ को बंद करना पड़ेगा। हर इंसान को ज़बान पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आपके मन में जो आता है आप बोल देते हो, जो आता है आप लिख देते हो। सोचो यार किसी को दुख पहुँचेगा, ये इतना सा ही अगर कुछ कर लेना तो हम, मैं तो ये सोचती हूँ इतना मंदिर मस्जिद ये वो, इतना धर्म धर्म को लेकर ये सब कपड़े पहने हुए हैं, सब इतना दिखावा करने की ज़रूरत नहीं। बस ज़बान पे कंट्रोल करो, बस उतना ही काफ़ी है। दूसरे आपकी किसी बोल से और किसी हरकत से दूसरे को दुख ना पहुँचाए, दैट्स इट। कितना तामझाम हो रहा है, नो इट्स नॉट भगवान जी वहाँ बैठ के, उनको नहीं चाहिए तुम्हारा दूध, तुम्हारा दही, तुम्हारा घी, तुम्हारा बकरा बकरी, नहीं चाहिए। वो चाहता है कि सब लोग खुश रहें, हम खुश रहें, हम सुकून से रहें, एंड वी आर शुड बी हैप्पी। तो वो खुद आके तो
दूसरे की भावनाओं को थोड़ा सेंसिटिव होना पड़ेगा, तो वैसे ही होगा, वरना पैदा हो जाएंगे और धर्म गुरु उनके भी इतने 50 मिलियन फॉलोअर्स बन जाते हैं, तो अब उससे क्या फ़ायदा होता है? इनको लगता है ये तो महाराज है, हम इनके जैसे नहीं बन सकते हैं, तो वो डिवाइड बना रहता है भगवान और इंसान में, वो डिवाइड को कैसे कम करे? आपका आचार और आपके विचारों को बदलना ज़रूरी है, वैसे ही चेंज होगा। कोई एक इंसान आपके सबको बदल नहीं सकता, हर इंसान अगर खुद से रियलाइज़ करे कि मेरी सोच विचारधारा में मुझे थोड़ा बदलाव करना चाहिए, या मेरे बोल चाल हरकतों में मुझे बदलाव थोड़ा करना चाहिए, दैट इज़ हाउ चेंज ईच ऑफ अस। हमारे YouTube चैनल बॉलीवुड डे नाइट न्यूज की खबरें पसंद आने पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर बटन दबाएं और लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।